जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेडजी। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, यानी कि सभी लोगों से, क्योंकि सभी के साथ एक नेचुरल प्रक्रिया है, सभी के साथ लगभग यही होता है। तो आखिरकार उसको जो थकावट है जो पढ़ते पढ़ते समय आ जाती है, आपका सिर भारी होने लगता है, आँखों में थोड़ी सी चिलचिलाहट सी महसूस होती है, शरीर भी थका थका सा लगता है, तो कैसे तुरंत एनर्जेटिक हो सकते हैं लगभग 5 मिनट के अंदर। तो ये कुछ 2-3 टिप्स हैं, उन्हें थोड़ा सा आप करोगे तो बहुत जल्दी एक तरह से आप रिकवर हो जाओगे और अपनी स्टडी पर लग जाओगे। और थोड़ा सा मैं टाइम भी बता दूंगा कि आपको बीच बीच में लगभग कितना टाइम पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटे के लिए आप बैठ रहे हो, लगभग एक घंटे के लिए बैठिए और लगभग 10 मिनट के आसपास या 15 मिनट के आसपास 10 मिनट रेस्ट कीजिए। जो आपने खाया है यानी कि जो पढ़ा है उसे पचाने दीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ होता है वो खाने से नहीं होता है, उसे पचाने से। वो किस प्रकार से पचा रहा है, इसी प्रकार से तैयारी भी होती है, किसी भी चीज़ की स्टडी भी होती है। कितना पढ़ रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना पच रहा है यानी कि उसे कितना याद रख पा रहे हो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो एक साइंटिफिक वे में अगर बात करें तो लगभग 1 घंटे का पचाने के लिए आपको लगभग 10 मिनट की थोड़ी सी आवश्यकता होती है। तो 10 मिनट 1 घंटे पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट कीजिए। 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे थोड़ा बहुत खा सकते हो, कुछ भी थोड़ा सा बस, ठीक है। सिर में एक भारीपन हो गया है तो उसे थोड़ा सा, ये है ना, भ्रामरी बोलते हैं उसे, वो कर सकते हो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार से आपको चीज़ें देखिए करनी होंगी। ऐसे करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी। और क्या कीजिए, दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका, ये देखिए, ऐसे हाथ आपको करने हैं इस प्रकार से, और अपने चेहरे पर देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा कर लीजिए। ऐसे कर लोगे 2-3 4 बार तो आपका जो है एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से करके आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, फिर से आप स्टडी करने के लिए बैठ जाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 2-3, और अपने पास एक जो होती है संतरे की गोली जैसे बोलते हैं, वो ज़रूर रखिए। छोटी सी लगेगी सुनने में, लेकिन वो काफ़ी एनर्जी देगी आपको। तो इन चीज़ों को 2-3 चीज़ों को करते रहोगे, आपका स्टडी में एकदम रिफ्रेश हो जाओगे। अपने पास ना पढ़ते समय सारी चीज़ें रखिए, थोड़ी बहुत खाने की भी रखिए, चना रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि थोड़ी सी थकावट हो, 1-2 मुँह में डाल लिया, इधर उधर थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, फिर से अपना एनर्जेटिक होकर लग जाइए स्टडी में। तो ये कुछ टिप्स हैं, इन पर काम कीजिए और बिल्कुल लगे रहिए पढ़ने में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।